देखिए, कहते हैं कि 360 ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के तौर पे अगर आपने याद हो तो एक गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आती है। ये गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या बताती है कि बहुत सारी कंपनियों ने देखा कि जब उनका ऑर्गेनिक सामान दुकानदार नहीं बेचते थे, यानी कि उनके जो सेल्स पर्सन जाते थे शॉपकीपर के पास कि हमारा सामान आप रख लीजिए, तो कहता था नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक गोरिल्ला स्ट्रैटेजी अपनाई। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है, उन्होंने कुछ बंदे हायर करे लोकल लेवल पे और किसी एक एरिया में भेजते थे और वो जाके किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, जाके वो कहते थे कि भैया एक्स वाई जेड नाम का एक प्रोडक्ट या कोई भी आटा ले लीजिए कि भैया आपके पास महारथी आटा है क्या, तो शॉपकीपर करता था नहीं, ओके, फिर वो वहां से वापस चला जाता था। फिर कोई दूसरा एक बंदा आता, कहता भैया महारथी आटा है क्या, नहीं। हर दिन ऐसे वो तकरीबन 10 दिन तक कुछ लोगों को भेजते थे और कुछ दिनों बाद फिर उसका सेल्स पर्सन गया कि भैया महारथी आटा आपने यहां रखेंगे, कहता था हाँ यार इसकी बड़ी डिमांड है तुम दे जाओ। तो दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एज अ क्रिएटर अगर आप यूट्यूब पे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लाइव क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया के एक्सपेक्ट है उनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको ऑर्गेनिकली उनको पकड़ना चाहिए। ये 360 मार्केटिंग होती है, उसमें सबसे ज्यादा रोल रिप्रेजेंट करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से कस्टमर तक, यूजर तक आपकी बातों को पहुंचाना। क्योंकि आपके पास क्या है, एक प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विसेज है जो आप यूजर तक ले जाना चाहते हैं। और हमेशा कहा जाता है कि दो टाइप की बिजनेसेस में चीजें आती हैं, एक है मार्केटिंग और एक है ब्रांडिंग। जो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाता है, और जो मार्केटिंग है वो आपकी सेल्स को बढ़ाता है। बट ये शॉर्ट टर्म है और ब्रांडिंग लॉन्ग टर्म है। बट ब्रांडिंग होती है ऑलवेज कॉन्टेंट से, जो कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से चलेंगे। तो अगर SEO के कुछ टर्म्स को समझे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आता है कीवर्ड्स, जो कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता था। कीवर्ड्स हमेशा मैटर करते हैं। जब भी कभी कहा जाता है कि अगर आपको वेबसाइट का अपना डोमेन लेना है, तो हमेशा जिस निश पे आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन अर्निंग ऐसे टर्म्स आपके डोमेन में होना चाहिए। जिस भी सेगमेंट में है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूट्यूब पे जब वीडियोस बनाते हैं तो आपके टाइटल में आपका कॉन्टेंट से ज्यादा रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। और ये आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रखता है। इसलिए कीवर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कभी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप योगा है, कुकिंग है, इस पर कोई व्लॉग लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखें, उसमें कीवर्ड्स का ध्यान रखें कि आपके कीवर्ड्स स्पैमिंग में भी ना जाएं और बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली उस कंटेंट को वो समराइज भी करें उस कीवर्ड को लेके। इसी से दूसरा एस्पेक्ट निकल के आता है ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO का मतलब यह है कि अब जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो ज्यादा से ज्यादा कहा गया कि भाई कंटेंट जो है वो किंग है, यानी कि जो भी आप व्लॉग्स वीडियोस बनाते हैं उसी में सबसे ज्यादा उस टॉपिक के बारे में बात हो। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन अर्निंग की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप उसमें कोई भी ना तो टूल्स बता रहे हैं ना कोई टॉपिक सिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्टेंट गलत है। इसीलिए जो सर्च इंजन है वो पकड़ लेता है। तो लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप ऑन पेज SEO करें, मतलब अपने कंटेंट के ऊपर ही काम करें। और SEO वर्ल्ड में आज के टाइम पे जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, 90% रोल आपके कंटेंट का है, आपकी स्ट्रेटजी से ज्यादा। नेक्स्ट आता है ऑफ पेज SEO। देखिए, ऑफ पेज SEO वैसा ही है जैसे YouTube पे जब आप वीडियोस बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सिर्फ वीडियोस बनाने से नहीं होगा, अदर क्रिएटर से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, अदर सोशल मीडिया पे हमें अपने लिंक्स को शेयर करना होगा जहां स्टूडेंट है देखेंगे। यही तो है ऑफ पेज SEO, यानी कि आप अपने ऑन पेज, अपने वीडियोस के अलावा जितनी भी चीज़ें उस कंटेंट को ग्रो करने में करते हैं, चाहे वो लिंक पोस्टिंग हो गई या फिर अगर आप क्रॉस प्रमोशंस कर रहे हैं या क्रॉस ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्रॉस कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ ऑफ पेज SEO है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके बिजनेस को, आपके ब्लॉग्स को, आपके कॉन्टेंट को, आपकी वीडियोज को ग्रो करने में। अगला आता है टेक्निकल SEO, जहाँ पे टेक्निकल टूल्स और एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हैं, जैसे स्पीड, मोबाइल की रिस्पॉन्सिव चीज़ें, XML साइड मैप होना चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा मार्केट मैप है कि नहीं, जिससे गूगल सही से समझ पाएगा कि आपका कंटेंट क्या है, आपका वेबसाइट किस पे काम करता है, आपकी वीडियोस किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, फिर वो टारगेटेड ऑडियंस को उस चीज़ को शो करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्टेंट पर व्यूज़ आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्टेंट की क्वालिटी। देखिए, कॉन्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है SEO में, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बट इसका भी प्रेजेंटेशन है। अगर आपने सिर्फ पैराग्राफ में लिख दिया कोई चीजें तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं माना जाता, रेदर देन आप हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग बनाएं, पॉइंट्स में चीजों को डिराइव करें, आप उस पे उसके प्रो एंड कॉन्स लिखें, आप उसके एग्जांपल्स दें, तब जाके वो कंटेंट बहुत रिलेवेंट माना जाता है।
एंड द नेक्स्ट है यूएक्स डिजाइन। जैसा कि आप यूट्यूब चैनल पे आप कुछ भी डाल देंगे थंबनेल पे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार थंबनेल बड़ा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। वैसे ही एक सोशल मीडिया टर्म्स में ये वर्ड आता है कि भाई डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए आपके ब्लॉग्स की। तो जितना अच्छा आपका ब्लॉग का यूआई बहुत आसान होगा, इजी टू यूज होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपकी एसईओ को बहुत इंप्रूव करते हैं। जैसे सबसे पहला है गूगल सर्च कंसोल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये फ्री है। सबसे पहले आप इसे अपने वेबसाइट का ट्रबल शूट कर सकते हैं, इनसाइट्स जान सकते हैं, अपने वेबसाइट्स की रैंकिंग को पता कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वेबसाइट लें तो उसकी इंडेक्सिंग गूगल सर्च कंसोल पे हो, जिससे गूगल को पता होना चाहिए कि आपका वेबसाइट है किस चीज पे। एसईओ एनालिटिक्स, ये आपके वेबसाइट की ट्रैफिक को डिराइव करता है, मॉनिटरिंग करता है, ब्लॉग वाइज मॉनिटर करता है, अल्टीमेटली आपके सामने एक स्टैटिक्स देता है इनसाइट पूरी, जिससे आप अपने कॉन्टेंट को अच्छा ऑप्टिमाइज कर पाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हो, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस के थ्रू। जहां पे आपका फोन, समझिए ये एक फोन है और इसमें बहुत सारे ऐप हैं, वैसे ही वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बनाते हैं और वहां पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपके चीजों को आसान बनाते हैं। कई बार आपको फॉर्म बनाना होता है, पेज बनाना होता है, एलिमेंटर के थ्रू आप बना सकते हैं। और एसईओ करने के लिए योस्ट एसईओ करके एक पूरा प्लगइन है जो बहुत आसान है। वैसे तो ये पेड वर्जन भी आता है, लेकिन फ्री भी बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज कर देता है और आपको बहुत सारे नए इंट्यूशन दे देता है, जिससे आप अपने ब्लॉग को अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे शेमरस है, ये बहुत सारे इनसाइट्स ना कि आपकी वेबसाइट का या आपके कॉम्पिटिटर्स जो कर रहे हैं उनके लिए भी लाके देता है, बट ये पेड टूल्स है, आप शुरुआत फ्री से भी कर सकते हैं काफी। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि एसईओ क्या है, और बहुत डिटेल में हमने इसको जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पेड मार्केटिंग के थ्रू, गूगल एड्स और फेसबुक एड के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने वीडियोस की या अपने पोस्ट की। थैंक यू।